सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं यूपी 60 फास्ट फूड, आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं रानीज मार्केट पिज़्ज़ा खाने, और हम और हमारे दोस्त दोनों लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, और अब चलते हैं रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा खाएँगे, अब वहाँ का लोकेशन आपको दिखाएँगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों अभी हम लोग हैं अभी विष्णु बाबा पब्लिक स्कूल के पास से गुजर रहे हैं, तो ये वाला रास्ता सीधे कोटवा होते हुए रानीगंज पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम लोग पहुंचते हैं रानीगंज मार्केट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सो फाइनली गाइज हम लोग रानीगंज पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये रानीगंज मार्केट है। तो अभी हम लोग आगे तरफ बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ ई रिक्शा चल रही है। ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे बहुत ही भीड़ रहता है मार्केट में। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बता दूँ, रानीगंज मार्केट में आपको अनेकों दुकान देखने को मिलेगी, जैसे कि फास्ट फूड का दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मेडिकल हो गया, अंडे का दुकान हो गया, चिकन की बिरयानी का दुकान हो गया, बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बैंक हो गया, ATM हो गया, मतलब सारी सुविधा यहाँ है। द्वाबा का सबसे बड़ा मार्केट है ये रानीगंज मार्केट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मेन रानीगंज मार्केट आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेन मार्केट है, ये विनोद मेडिकल है, और पास में ये सब्जी का दुकान है, और ये यहाँ पर भी मेडिकल है। यहाँ हरीश डॉक्टर हैं जो कि रानीगंज के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। और आगे चलते हैं, और ये देखिए यहाँ मिष्ठान दुकान है, यहाँ पर द्वाबा जलपान है। और फाइनली हम लोग चौक में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चौक है, आप देख सकते हैं, चौक के बाद सीधा हम लोग आएँगे बीबी टोला। तो अभी बीबी टोला का रास्ते में हम लोग हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों देखिए ये सारे दुकान हैं, कपड़ा का दुकान, यहाँ पर कृष्णा वस्त्रालय हैं, यहाँ पर पायल जनरल स्टोर हैं। तो आगे की तरफ और बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं। आगे बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, हर तरह का दुकान आपको मिलेगा। यहाँ पर चावल बिकता है, और यहाँ पास में सिनेमा घर हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चल कर और देखते हैं। तो ये जो कि सुरेमनपुर से बैरिया, जो कि कहीं भी कोई भी सामान खरीदेंगे कुछ भी आपको मिल जाएगा, जो भी सामान खोजेंगे वो मिल जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट है रानीगंज, बैरिया, सुलेमानपुर, सबसे बढ़िया मार्केट है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ शिव मंदिर है जहाँ शंकर भगवान का स्थापना हुआ है। तो यहाँ ये शिव मंदिर है, यहाँ शंकर भोले बाबा का मंदिर है, पास में मेन्स वेयर है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं रानीगंज मिर्ज़ापुर यानी बीबी टोला में, UP 60 फास्ट फूड आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पुल है, ओवरब्रिज है, पुल है यहाँ पे। तो हम लोग फाइनली दोस्तों UP 60 पहुँचने वाले हैं, वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं UP 60 का बोर्ड लगेगा यहाँ, सब्जी मंडी, बहुत बड़ा सब्जी मंडी लगता है यहाँ पे। तो सुबह के टाइम पे लगता है, 6 से 10, 11, 12 बजे तक लगता है। UP 60 फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं UP 60 फास्ट फूड, आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डेकोरेशन किया गया है।
और कितना बढ़िया लाइट से सजाया गया है। एक बात और बता दूं, जैसे कि रानीगंज, बैरिया, सुलेमानपुर, ये तीनों मिलाकर देखा जाए तो सबसे बेस्ट, अगर आपका सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाए तो यही है UP60, इसके बाद ही कोई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सजावट किया गया है, इसमें खूब बढ़िया सा सीनरी है, यहाँ लाइट हैं, पंखे हैं, दोस्त अपने सेल्फी ले रहे हैं यहाँ। अगर एक बात और बता दूं, अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए और दोस्तों के साथ बर्थडे मनाइए, सबसे बेस्ट है। देखिए ये दोस्त लोग बर्थडे मना रहे हैं, और ये काउंटर है, यहाँ से हम लोग ऑर्डर देंगे, उसके बाद ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे, उसके बाद हम लोग खाएँगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से सजावट किया गया है, कितना बढ़िया लाइट लग रहा है। तो अगर आप बलिया से हैं तो एक बार आपको आना चाहिए UP60 में, आकर यहाँ का आनंद लीजिए और बताइए कैसा है रेस्टोरेंट है कमेंट बॉक्स में। चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ दोस्तों लोग सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तो सारा लोकेशन आपको दिखा दिए जो भी हैं रेस्टोरेंट का। ये देखिए यहाँ काउंटर है, यहीं हम लोग ऑर्डर देंगे और उसके बाद ही हम लोग का पिज़्ज़ा आएगा, उसके बाद हम लोग खाएँगे। कि ये मैनेजर साहब हैं यहाँ रेस्टोरेंट का और इन्हीं से हम लोग ऑर्डर दिए हैं। तो सारा लोकेशन हमको आपको जो भी है अंदर सब दिखा दिया। तो आप सुलेमानपुर से हैं या कहीं द्वाबा से कहीं भी हैं, कहीं से भी हैं, तो एक बार इस रेस्टोरेंट में आइए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग UP60 में आ चुके हैं और ये मिर्ज़ापुर में है, ये रेस्टोरेंट में ओपनिंग हुआ है। तो हम लोग पिज़्ज़ा खाने आए हैं और पिज़्ज़ा खाएंगे यहाँ, उसके बाद हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये चाट मेनू है, चाट में देखते हैं क्या क्या है, पिज़्ज़ा है, बर्गर हैं, वेज स्टैंड है, और आगे देखते हैं क्या है, नूडल्स हैं, और ये रोल है, मोमोज हैं, और आगे देखते हैं नॉन वेज स्नैक है, आइसक्रीम है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, मतलब हर तरह का सामान है इसमें, जो भी आपका खाना है फास्ट फूड में सब कुछ है। तो अभी टाइम लगेगा पिज़्ज़ा बनने में, 20 मिनट लगेगा फिलहाल। अभी हम लोग बैठे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए अमन और ये आदर्श शर्मा जी बैठे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग बैठे हैं, पिज़्ज़ा बन जाएगा उसके बाद हम लोग खाएँगे, तब तक वेट कर ले रहे हैं। देखिए सो फाइनली दोस्तों पिज़्ज़ा आ चुका है। देखिए एक पिज़्ज़ा में हम लोग तीन लोग खाएंगे, देख लीजिए फ्रेंड क्या करें, मजबूरी है, पैसे नहीं है तो क्या करें, उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये रहा पिज़्ज़ा आपका, और इस हम लोग अब खाएंगे, खाकर उसके बाद बताएंगे इसका टेस्टी क्या है, इसका स्वाद क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों ये देखिए कितना तेज़ी से खा रहे हैं पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है और कितना तेज़ी से खा रहे हैं। तो दोस्तों पिज़्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट है, और आप भी आइए और खाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।